नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री सूरज भान सिंह, जो अभी साउथ वेस्ट में एसीपी पीजी का कार्यभार संभाल रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। तो सर, आप पहले बताएं कि आप किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया और अब तक का आपका ज्वाइनिंग से अब तक का सफ़र कैसा रहा? बचपन से थोड़ा एडवेंचरस और राष्ट्रीयता की तरफ प्रेरित होकर मैंने दिल्ली पुलिस में आने का सोचा। 1 मई 84 को एज कांस्टेबल ज्वाइन किया था और अक्टूबर 1986 में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग में गए और लगभग 1 महीना का 39 साल नौकरी हो चुकी। सर, इस दौरान इन 39 सालों में सर किस तरह की आपने क्या क्या पोस्टिंग आपने कहाँ कहाँ रहे, आप थोड़ा सर उसके बारे में बताना चाहेंगे? सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में डी कोर्स और उसके बाद चौकी इंचार्ज मंडावली, जो अब 2-3 पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद सिक्योरिटी यूनिट में मैं 4 साल रहा। कुछ सीखने को मिला, कुछ नया समझने को मिला, अच्छा हमारा वेल ड्रेस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है पब्लिक इम्प्रेशन के लिए, तो वो भी वहाँ समझ आया। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रही, 1 वर्ष में वहाँ चौकी इंचार्ज भी रहा संकराशन, और उसके बाद ट्रैफिक में, फिर उसके बाद BDS का कोर्स क्योंकि मैंने किया हुआ था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर्म डिस्पोजल कोर्स करने के बाद 6 वर्ष तक मैं 2000 से 2006 इंस्पेक्टर प्रमोट होने तक मैं बम डिस्पोजल स्क्वाड में रहा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ज़रूरी ये भी है कि उस समय बॉम्ब्स वगैरह काफ़ी कॉल आती थी, मिलते थे हॉक्स कॉल। शुरू में जैसी आदत होती है कि BDS की टीम आएगी, समय लगेगा, लंबे बांस उठाना, उसको तोड़ देना, तो ट्रेनिंग में जाने के बाद BDS में हमसे सबसे पहले बताया गया यू कैन प्ले वंस इन योर लाइफ। इसके लिए ट्रेनिंग के बाद उसमें ऑल इंडिया में जॉइंट नेम था हमारा दो लोगों का, दिल्ली पुलिस ही अपनी रैंकिंग में 49th बैच में NSC से। समय कई बार मौके भी आए बम डिस्पोजल के लिए जब हमें इस्तेमाल किया है, ड्यूटी आई, इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, जो हमने अपनी ड्यूटी की और बखूबी निभाया जब तक वहाँ रहे। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन 3 थानों में पोस्टिंग रही, उसके बाद SHO नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर क्राइम ब्रांच में 2.5 साल के करीब, और उसके बाद SHO मायापुरी, उसके बाद मेरा सिक्योरिटी यूनिट में ट्रांसफ़र आया और वहाँ से ACP प्रमोट हुए। अब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हूँ 2 वर्ष से। सर, आगे हम बात करेंगे बदलाव की, बदलाव दिल्ली पुलिस व्यवस्था में उस टाइम और आज के दौर में सर कितना बदलाव है, हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, आप किस तरह से उसको बताना चाहेंगे? सर, टेक्नोलॉजी वाइज उस समय से अब तक तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बदलाव आए हैं। उस समय इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम फॉरेंसिक लैब नहीं थी हमारे पास कोई अपनी, हम CBI में CFSL में भेजते थे, उनकी प्रायोरिटी होती थी अपने केसेस की और हमें लिंगोरॉन होता रहता था, और उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन भी बहुत डिले होती थी या क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती थी चार्जशीट दाखिल करने के चक्कर में। अब आज के समय में FSL है और वर्क प्रेशर वहाँ भी है, पर फिर भी उस समय के मुकाबले हम बहुत तेज़ चल रहे हैं और धीरे धीरे अब जो देख रहा हूँ सबसे मेजर तो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेंसिक टीम दे दी गई है जो मौके पे जाके हमें गाइड करती है, जो पहले नहीं था। पहले IO अपने हिसाब से जो कुछ
उसे समझ थी, जो ट्रेनिंग में सीखा था जितना उसको लगता था वो करता था। दोबारा कोई हमें कोई रिफ्रेश किया नहीं गया, जानकारी ज़्यादा है नहीं, तो हम अपना कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 39 साल आपने दिल्ली पुलिस परिवार को दिए हैं, इस दौरान सर आप अलग अलग जगह पे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, SHO भी रहे आप, चौकी इंचार्ज भी रहे, तो सर काफ़ी चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आए होंगे, तो सर कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क जिसका आप हिस्सा रहे हो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, क्राइम हो जाना, डिटेक्ट कर लेना, उस तरह के चैलेंजेस आते हैं। सिविल लाइन्स में ब्लाइंड मर्डर केस भी था नॉर्थ ईस्ट की लेडी का, 5-6 दिन बाद हम उसकी आइडेंटिटी फिक्स कर पाए और उसके बाद 48 आवर्स में हमने अरेस्ट भी किया, मणिपुर तक रेड्स भी करी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम क्राइम प्रिवेंशन कर पाए, होने से पहले रोक पाए। ये मौका मिला मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर SHO लगने के बाद, जहाँ चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रेन में लोग बैठते हैं, बैठते ही सामान चोरी हो जाता है, ट्रेन चल चुकी होती है, उन्हें समझ नहीं आता रिपोर्ट कहाँ करें, अवेयर नहीं है। उसके बारे में मैंने ध्यान दिया और बच्चे स्टेशन के ऊपर बहुत हैं, तो खाने पीने का कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो वो उस ढंग से अपना आजीविका समझ लो या खाने का, घर वाले कुछ लोगों के हैं भी तो वो ज़्यादा केयर नहीं करते, या कुछ घरों से भाग के आए हुए हैं, उनको आदत है, उन्हीं से मैंने जानकारी लेनी चाहिए। छोटी 5 रुपये 10-10 रुपये वाली चॉकलेट्स वगैरह मैं कभी बच्चों को बुला के डिस्ट्रीब्यूट करता, बात करता है, कुछ दिन में वो मेरे नज़दीक आने लगे, और कभी मैं ऑफिस में अकेला हूँ तो घुस के आते थे, बताते थे। मैंने उनसे जानकारी ली कि आप लोग ट्रेन के पीछे क्यों भागते हो, जब ट्रेन स्टार्ट होती है आप रोज़ ट्रेन देखते हो। उन बच्चों ने बताया कि अंकल हम इसलिए नहीं भागते, हमारे 3-4 साथी ट्रेन के अंदर होते हैं, जब ट्रेन चलती है तो लोगों की आदत है कि जल्दी ट्रेन में चढ़ते ही कोई वॉशरूम जाता है, कोई सामान सेट करने लगता है, वो मोबाइल पर्स वगैरह सीट के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसको हमारा साथी जो ट्रेन के अंदर है वो चुपचाप खिड़की से गिराता जाता है, तो ट्रेन स्लो स्लो जब आगे बढ़ती है सामान गिरा के उतर जाता है आगे, और हम उसी सामान को उठा लेते हैं, उसकी कोई ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं होती और उससे हमें खर्चा मिल जाता है बेचने से। तो इसके लिए फिर सन 2011 में मैंने एक पूरे वर्ष एक ड्राइव चलाई, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इनको या तो अपने माँ बापों तक पहुँचाया जाए, या फिर अलीपुर में इनके लिए होम बने हुए हैं, वहाँ ये रहते हैं और खाना वगैरह मिलता है और वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए। तो उस एक वर्ष में मैंने 576 बच्चे CWC में पेश किए, और जिसमें से मैक्सिमम तो घरों को ही चले गए। और फिर 2012 जब शुरू हुआ, 3 महीनों में मुझे अंतर देखने को मिला कि करीब 80% चोरी के केसों में गिरावट आ गई थी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो आगे भी पुलिस को कोशिश करनी चाहिए इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करके हम समाज के थोड़ा नज़दीक जाके, क्या हम समाज को देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, पर समाज से कुछ लेना भी है, समाज में घुलना मिलना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, आगे बात करते हैं कि 39 साल आपने बिताए, इस दौरान सर एक पुलिस ऑफिसर हम 24 आवर्स बाउंड होते हैं ड्यूटी के लिए, सर कई बार ऐसे मौके भी पड़ते हैं कि घर पे हमारी ज़रूरत होती है और हम समय नहीं दे पाते हैं, सर आपने किस तरह से अपने निजी जीवन को और ड्यूटी को दोनों को बीच में बैलेंस बना के रखा, किस तरह से इसको आपने सर आप बताना चाहेंगे? ड्यूटी है, मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे याद है मेरे बेटे का मुंडन था कृष्णनगर थाने में डी कोर्स के दौरान, और एक इन्वेस्टिगेशन ऐसा ज़रूरी था, मुरादाबाद से कोई रिकवरी करके लाना था लड़की। मैं अपने पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चे को स्टेशन छोड़ के आ गया, पर मुझे छुट्टी नहीं मिली। मायूस ना होते हुए इन चीज़ों के साथ काम किया, क्योंकि
मेरी वाइफ का सबसे मेजर रोल रहा, जो उनका कोऑपरेशन था, कोई घर में ऐसी परेशानियां नहीं खड़ी हुई। और मैं अपना काम, कई बार चार दिन भी हम नहीं जा पाते, पाँच दिन भी नहीं जा पाते, कभी कोई परेशानी नहीं आई। और बच्चों ने भी कोऑपरेट किया बड़े होने के बाद भी, जैसे SHO लगने के बाद हम यूजुअली नहीं जा पाते, तो जब लगता था महीने दो महीने में, तो एक आध बार ज़्यादा दिन हो गए तो खुद भी मिलने चले आते पुलिस स्टेशन में, थोड़ी देर मुलाकात के बाद तो ठीक हो जाता है सर। बिल्कुल सही बात है सर, फैमिली के सपोर्ट के बिना सर ये हमारी ड्यूटी जो चैलेंजिंग है, उसके बगैर नहीं कर सकते, फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। सर इस महीने आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट सर आपकी लाइफ कैसी है, कुछ आपने प्लान्स किए हुए हैं? अभी तो 40 सालों का जो गैप है, जो हमारे सामाजिक ताना बाना जो हमारा टूट सा गया है, पहले उसे रिफ्रेश करना है, लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना है, और सामंजस्य बनाने के बाद फिर सोचेंगे आगे। सर आखिरी सवाल सर आपसे रखते हैं कि जो हमारे युवा ट्रेनीज जो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं और फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए कोई आप स्पेशल कोई मैसेज देना चाहें? उनके लिए तो सबसे ज़रूरी ये है कि डिसिप्लिन की भी आवश्यकता है। अब नई पीढ़ी आ रही है, हमारे समय में ये था कि हमसे एक बैच भी सीनियर है तो हम उसे सर कह के बात करते थे। अब थोड़ा सा ये सामंजस्य नहीं मिल रहा, जो ट्रेनिंग में भी जोर दिया जाना चाहिए। और मेजर चेंज की ज़रूरत ये है कि हम अभी तक अपने जो ग्राउंड स्टाफ हैं, इनको लोगों के साथ तहजीब से पेश आना नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि मैं विजिलेंस का काम देख रहा हूँ, कंप्लेंट्स जो भी आती हैं, एलिगेशंस करप्शन के हों या हों, आसान है, वर्दी पे लोग उंगली उठा देते हैं। पर उसकी मेजर वजह ये है कि हमारा बर्ताव, जब कंप्लेनेंट आता है किसी ना किसी परेशानी से, मानसिक तनाव से, चाहे वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, किसी ने गाली दे दी, कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, पर हम उसे ध्यान से सुन तो सकते हैं। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। यहाँ आने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम शुभकामनाएं देते हैं आप कि आप पोस्ट रिटायरमेंट आपका जीवन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका भी, दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद। जय हिंद।